ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप शंशा? हमारे केश क्यों सूंघ रहे हैं? कुछ नहीं जोधा बेगम, हमें आपके बालों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और हम खुद को रोक नहीं पाते। आप हंस क्यों रही हैं? हमें वाकई आपके बालों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब ये क्या आप अपनी आंखों से मोतियां बरसाने लग गई? मन तो हमारा कर रहा है कि इन मोतियों का खजाना बरसा दे। शहंशाह, हमें विश्वास है अब सब कुछ ठीक ही होगा ना? लेकिन सब कुछ ठीक ही तो है जोधा बेगम। हम भी तो वही कह रहे हैं। आपको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है जोधा बेगम। अब कब क्या कहना चाहती हैं, क्या समझती हैं, क्या समझाना चाहती हैं, ये समझ पाना हमारी समझ के बाहर है। हंसते हंसते रो जाती हैं, रोते रोते हंस जाती हैं। क्योंकि आप पुरुष, हम स्त्रियों को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि हमारे लिए कुछ चीजें ज्यादा अहमियत रखती हैं, जैसे ये मोती हमारे लिए बहुत ही अनमोल है और हम इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहते हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, दीवाने खास में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अब जाइए, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे ईश्वर, सलीम और मानबाई के बीच में सब कुछ ठीक रखिएगा। मीर साहब, जरा बताइए तो इनका कितना हिसाब हुआ? दालचीनी की 50, काली मिर्च की 150 और इलायची की 100 बोरियां। ठीक है, अब चलिए जोधा बेगम के पास चलकर उन्हें भी पूरा हिसाब बता देते हैं। चलिए जोधा बेगम, जितना सामान भेजना है पूरा हो गया है, बस थोड़ी सी इलायची और काली मिर्च कम पड़ रही है। वो भी आ जाएगी सलीमा बेगम, तो रनमल जी सारी व्यवस्था देख रहे हैं। प्रणाम मलिका हिंद। प्रणाम टोडरमल जी। प्रणाम सलीमा बेगम। अच्छा, इस माल को विदेश भेजने की क्या व्यवस्था है? यहाँ से खेप सीधा बंदरगाह जाएगा और वहाँ से इसे हमारे ही जहाजों में भरकर विदेश भेज दिया जाएगा। ठीक है, परंतु इन मालों को विदेश भेजने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। यदि बोरियों में जरा सी भी सीलन आ गई तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जी ऐसा नहीं है, मौसम अभी तो ठीक है, खराब भी हुआ तो मसालों की सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। जोधा बेगम, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कामयाबी मिल रही है। असली कामयाबी तो तब मिलेगी जब ये माल बेचने के बाद किसानों के हाथ में अधिक दाम होंगे और उनके चेहरे खुशी से खिल रहे होंगे। बेशक जोधा बेगम ऐसा ही होगा, आप कोई काम हाथ में लें और वो पूरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार ये काम पूरा नहीं होगा जोधा, अगर कुछ होगा तो वो है हमारा इंतकाम। हुजूर, मायूस ना होइए। कैसे मायूस ना हो, हमारी तकदीर की तरह हमारे शिकार भी हमसे लूट गए। इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद एक शिकार हाथ नहीं लगा हमारे। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, कुछ इंग्लिश तानी और एक मुगल सरदार आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे क्यों? खैर, भेजो उन्हें। हुजूर,
Your Majesty, I salute you. We've got a humble gift for you. और इस तोहफे की वजह? हुजूर, ये तो आपके लिए और भी बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हैं। अगर हुजूर थोड़ा सा वक्त देने की इनायत करें तो हम आपको सब समझाते हैं। हुजूर ये व्यापारी हैं, तिजारत करना चाहते हैं, मगर इनको इस मसले में हमसे क्या बातचीत करनी है? क्योंकि हुजूर आपकी सोच सल्तनत में सबसे बेहतर है। आप मौके को अच्छे से समझते भी हैं, आप दानिश हैं और साथ साथ दूर अंदेशी भी। काश कि आप शाहजहां होते तो मुगल सल्तनत का आने वाला कल और भी सुनहरा होता। Your Majesty, please allow us to leave. जोधा, आशा है कि शहजादे सलीम और मानबाई कश्मीर के मनमोहक वातावरण में खुश होंगे, है ना? हमारी ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि वहां पर दोनों के बीच की दूरियां मिट जाए और उनमें प्रेम पनपे। ओहो, हमारी बच्ची कंघी लेकर आई है ताकि हम आपके बाल बना दें। पर आपके केश तो ठीक से बने हुए हैं। नहीं अम्मी जान, ये कंघी तो हम आपके बाल बनाने आए हैं। हम पर ये कृपा क्यों दादी माँ? थोड़ा रियाज करना है ना छोटी बनाने का। अच्छा, वो क्यों भला? अरे कल जब हमारी शादी होगी, जैसे हमारी मान भाई शादी हुई है, तो हमें भी किसी के घर जाना होगा ना। वहाँ तो आप होंगी नहीं, फिर हमारे बाल कौन बनाएगा? फिर हमारी भी तो बच्चे होंगे, तो हम रहते उनके बाल हम ही संवारे। इन ताशों से कुछ नहीं होता। हमारी प्यारी सी आराम बारू, हमारी बच्ची जान, अपने बच्चों की तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम है ना, हम चलेंगे आपके साथ आपके ससुराल आपके बच्चों के बाल बनाने। प्रणाम मलिकाए हिंद, शहंशाह ने आप सबको दीवाने खास में बुलाया है। चले प्रणाम शहंशाह। आशम ने आप सबको यहाँ एक खास वजह से बुलाया। पिछले कुछ दिनों मुगल सल्तनत का जो भी नुकसान या जो भी मुनाफा हुआ है, उन तमाम बातों की एक फहरिस्त तैयार की गई है और हम चाहते हैं कि तोड़ामल साहब अभी इसी वक्त सबको वो हिसाब पढ़कर सुनाए। जी शहंशाह। रियासतों से आने वाली मासिक सलामी 1,00,000 सिक्के, कष्टकरों से मिलने वाली लगान 2,00,000 सिक्के, जिहात्री महसूल और चुंगी से 4,00,000 सिक्के खजाने को मिले, और इस बार शहंशाह सल्तनत को 11,50,000 सिक्कों का अलग से फायदा हुआ है, और ये इस बार हमें मसालों के व्यापार से हुआ है। मलिका हिंद की कोशिश रंग ला रही है शहंशाह, और किसानों को ही नहीं हमारे शाही खजाने में भी काफी फायदा हुआ है। क्या हो रहा है बेगम? नहीं, वो बस हमारा कंगन हमें चुभ गया। तो मतलब जोधा बेगम ने जो कदम उठाया उससे ना सिर्फ मुगल सल्तनत का फायदा हुआ, उससे ना सिर्फ हमारे किसानों का फायदा हुआ, बल्कि गैर मुल्कों का भी फायदा हुआ, और साथ ही साथ गैर मुल्कों से हमारे तजारती रिश्ते और भी मजबूत हो गए। और मैं यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे आने वाले कल में भी हमारे किसानों का, हमारा और गैर मुल्कों का फायदा इसी तरह होता रहेगा। जोधा बेगम ने जो कदम उठाया उस कदम के लिए हम उनकी इज्जत अफजाई करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि उनका ओहदा इतना बड़ा है, उन्हें कोई भी इनाम देना उनके ओहदे की तौहीन होगा, क्योंकि कोई भी इनाम इतना बड़ा नहीं जो मल्लिका हिंद के ओहदे को दिया जा सके। लेकिन हम फिर भी तमाम लोगों के सामने जोधा बेगम की शुक्रगुजारी जरूर जाहिर करना चाहेंगे। तो जोधा बेगम ने जो कदम उठाया उसकी वजह से मुगल सल्तनत
तरक्की के रास्ते पे एक कदम और आगे बढ़ा और इंशाल्लाह हमारी यही दुआ होगी कि मुगल सल्तनत इसी तरह तरक्की करता रहे। इससे एक बात तो साबित हो गई है कि औरत अगर जो बात ठान ले तो चाहे कुछ हो जाए अपनी पूरी शिद्दत से अपनी पूरी मेहनत से अपनी मंजिल हासिल करके रहे। और हम दरख्वास्त करना चाहेंगे जोधा बेगम से कि वो सबके सामने मौजूद। आज हम मलिका हिंद को एक खास मोहर सुपुर्द करते हैं और आज से तमाम तजारती मामलों की जिम्मेदारियां हम मलिका हिंद को सौंपते हैं। मलिका हिंद जिंदाबाद, मलिका हिंद जिंदाबाद, मलिका हिंद जिंदाबाद। मुबारक हो जोधा बेगम, ये सब कुछ आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है सलीमा बेगम। बेशक, लेकिन ये कहकर तुम अपने मेहनत के इनाम से पीछे नहीं हट सकती। हाँ जोधा बेगम, अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये आपकी सोच और मेहनत का ही तो नतीजा है। मलिकाए हिंद का इकबाल बुलंद हो, टोडरमल साहब आपसे मसलत के लिए इजाजत चाहते हैं। ठीक है, हम आते हैं। हमें आज्ञा दीजिए, हम थोड़ी देर में आप लोगों से मिलकर बात करते हैं। जी। प्रणाम टोडरमल जी। प्रणाम मलिका हिंद। कहिए क्या बात है? जोधा बेगम, जो विदेश में मसालों की खेप भेजी जानी थी वो तैयार है। परंतु वो खेप तो सप्ताह भर पहले भेजी जाने वाली थी ना? जी, वो ग्वालियर से ही माल देर से पहुंचा। ठीक है, परंतु अब और अधिक विलंब मत कीजिएगा, नहीं तो सल्तनत का नाम व्यापारियों के बीच में खराब होगा। वैसे भी मौसम ठीक नहीं है, अब शीघ्र इन खेपों को भिजवाने की व्यवस्था कीजिए। मैं कल ही खेप को बंदरगाह तक पहुँचा देता। नाम तो तुम्हारा खराब होगा जोधा, क्योंकि ये खेप कभी नहीं पहुंचेगी। आदाब हुजूर, आपने यहाँ आने का हुक्म दिया। हाँ, और हम जो कह रहे हैं उसे गौर से सुनना। और ध्यान रहे, ये काम आज रात तक ही हो जाना चाहिए, किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो हुकुम पातशाही बेगम। काम तरीके से पूरा हुआ तो इनाम भी बड़ा मिलेगा। आदाब। वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं मोती, हमें बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। मोती भाई बिल्कुल ठीक कह रही है जोधा बेगम, ये क्या बच्चों की तरह बारिश में भीग रही हैं? अब बीमार पड़ जाएंगे, अपनी उम्र तो देखिए। चलिए अंदर आइए। यदि आप अपने आप को बूढ़ा समझते हैं तो ठीक है, आप वहाँ पर बैठे रहिए, नहीं तो आइए हमारे साथ और भीगिए। ऐसी कोई बात नहीं है जोधा बेगम, हमें बस बरसात पसंद नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम आपको बूढ़ा समझ लें। हम बूढ़े? और नहीं तो क्या, यदि आप में दमखम है तो आइए हमारे साथ भीग कर बताइए। वैसे रहने दीजिए शहंशाह, आपसे नहीं होने वाला। आप हमें ललकार रही है जोधा बेगम। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी बूढ़े को भी कोई ललकार सकता है भला। मोती, जाओ जोधा बेगम के लिए सूखे वस्त्र तैयार करो, जाओ। जी शहंशाह। जोधा
लीजिए आ गए आपके पास। खुश हैं बाप? अच्छा चलिए चलते हैं, बहुत भीग गए हम। चलिए क्यों हमारे साथ थोड़ी देर और भीगने से डर लगता है? मसाले ठीक से ढक दो। अब भंडार गृह में ताला लगा दो। मौसम खराब है, मसालों पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ये सारा सामान सुबह बंदर का जाएगा। क्या कर रही हो? वो देख रहे थे गोदाम में पानी तो नहीं जा रहा, तोडरमल साहब का हुक्म था। ठीक है जाओ यहाँ से। सो जाइए। कैसे सो जाएं? इतनी सुबह हो गई है, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? मन तो करा कि आपको उठाते, लेकिन फिर देखा कि आप नींद में बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं जोधा बेगम। कर लिया ना खुद का गला खराब, हो गया ना जुखाम, हमें बुढ़ा कह रही थी आप। और देखिए खुद की तबीयत खराब हो गई। किसने कहा था बारिश में भीगने के लिए? हमने मना किया था कि ऐसा ना करें आप, लेकिन आप ना मानी। प्रणाम शहंशाह, इसलिए तो ये काढ़ा हम आपके लिए बना के लाए हैं जोधा बेगम। लीजिए इसे पी लीजिए। नहीं हम पिला देते हैं। हम आपके स्नान की तैयारी करके आते हैं। अब इसे चुपचाप पी लीजिए, मुंह मत बनाएगा, आपको इसकी जरूरत है, लीजिए पीजिए। तो भीगने की वजह से जुकाम आपको भी हो गया है, अब तो आपको हमारे साथ ये काढ़ा बांटना होगा। क्या हुआ, मुंह मत बनाइए, अब तो जानते ही हैं आपके बिना अकेले तो हमें काढ़ा पीने नहीं वाले हैं। पीजिए। अच्छा ठीक है हम पी लेते हैं। दीजिए। आपकी बारी, पीजिए। प्रणाम शहंशाह।
प्रणाम मलिका हिंद, सलीमा बेगम आपसे मिलने की इजाज़त चाहती हैं। सलीमा बेगम इस समय यहाँ पे? तुरंत भेजिए उन्हें। प्रणाम सलीमा बेगम। आदाब शहंशाह। आई सलीमा बेगम, बताइए कैसे आना होगा? बेवक्त दखल के लिए मुआफी चाहते हैं शहंशाह, मगर जोधा बेगम बात नहीं कुछ ऐसी संजीदा है कि हमें इस वक्त आना पड़ा। जो भी बात है आप शीघ्र बताइए हमें। वो कल रात बरसात में शाही गोदाम की खिड़कियां खुली रहने से ज्यादातर मसाले गीले हो गए हैं। अब हम उन्हें दूसरे मुल्कों में नहीं भेज सकते हैं शहंशाह।